बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम लर्न करेंगे कि स्टॉप वॉच को किस तरह से यूज़ किया जाता है। ये हमारे पास एक कंपनी की स्टॉप वॉच है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर तीन बटन हैं। जो पहला बटन है, दरमियान वाला बटन जो है, वो मॉट का है। साइड वाले बटन पर रीसेट और इस तरफ वाले बटन के ऊपर स्टार्ट और स्टॉप लिखा हुआ है। तो अभी ये सिंपली क्लॉक चल रहा है, तो मॉट के बटन को प्रेस करके हम इसको स्टॉप वॉच के मॉट पर ले जाते हैं। तो अभी मैं अगर इसके मॉड के बटन को प्रेस करूं तो ये स्टॉप वॉच की ऑप्शन सामने आ जाएगी। स्टॉप वॉच ये अभी रीसेट फॉर्म में नहीं है, इसको पहले हम रीसेट कर लेते हैं। ये जो बटन रीसेट वाला बटन है, इसको प्रेस करने से जो रीडिंग है वो 00 पर आ जाएगी। अब ये स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए जो बटन है, इस स्टॉप वॉच में सेम है। बाज़ स्टॉप वॉचेस में ये डिफरेंट होता है। ये अभी हम डिस्कस कर रहे हैं डिजिटल स्टॉप वॉच को, और एनालॉग स्टॉप वॉच भी अवेलेबल होती है। तो अभी हम इसकी रीडिंग लेने का तरीका देखते हैं। जब हम इसके स्टार्ट के बटन को प्रेस करेंगे तो ये एक सेकंड का 100वां हिस्सा कैलकुलेट करने लग जाएगा। ये वाला स्केल, ये पोर्शन जो है सेकंड के 100वें हिस्से यानी कि सेंटी सेकंड को शो कर रहा है। अगर हम इस स्टॉप वॉच को स्टॉप करना चाहते हैं तो हम इसी बटन को प्रेस करेंगे। तो लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू प्रेस दिस बटन। This is exactly 26 seconds and 00 centiseconds. अगर हम इसको दोबारा प्रेस करें तो ये यहीं से दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, और अगर हम इसको स्टॉप करें तो ये यहाँ रुक जाएगी। अब हम देख सकते हैं कि ये 29 seconds और अगले 30वें सेकेंड के 8800 पार्ट जो हैं वो गुजर चुके हैं, यानी 8800वें हिस्से गुजर चुके हैं। तो ये स्टॉप वॉच को यूज़ करने का तरीक़ेकार है कि जब भी हमने किसी चीज़ का टाइम पीरियड नोट करना हो, हम स्टार्ट और स्टॉप के बटन को यूटिलाइज़ करेंगे। दोबारा दूसरी रीडिंग लेने के लिए हम रीसेट के बटन को प्रेस करेंगे तो ये रीडिंग 00 हो जाएगी। अब मैं एक दफ़ा आपको दोबारा फिर परफॉर्म करके दिखाता हूँ। स्टॉप वाले बटन से ये टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी, और इसी बटन को दोबारा प्रेस करने से जो टाइमिंग है ये स्टॉप हो जाएगी। अब इसका क्या मतलब है कि 5 सेकेंड और 16 सेंटी सेकेंड्स गुजर चुके हैं। रीसेट करने के लिए हम इसको दोबारा इस बटन को प्रेस करेंगे। फर्स्ट ईयर के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं सिंपल पेंडुलम के और हेलिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम के, उसमें हम स्टॉप वॉच को यूटिलाइज़ करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही मालूमती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फिज़िक्स आसान को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, बेल का बटन दबाइए, ताकि हम आपके लिए वीडियोज़ के ज़रिए फिज़िक्स को समझना आसान बनाते रहें।